नमस्कार, आज का विषय है हिंदी व्याकरण, जिसमें हम बात करेंगे वर्ण विचार के विषय में। इसके टॉपिक कुछ इस प्रकार से हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्ण माला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। स्वर तथा व्यंजन को पढ़ना लिखना सीखने के लिए हिंदी सीखे सीरीज की वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। स्वर, स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात इन्हें बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, अ ई उ री, ये चार स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, इनको बोलने में कम समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर, आ ई उ ए ए ओ और औ, ये सात स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, इन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। नंबर तीन प्लूत स्वर, प्लूत स्वर को बोलने में तिगुना समय लगता है। स्वर तथा उनकी मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे स्वरों की मात्रा कहते हैं। स्वरों को मूल तथा मात्रा रूप में कैसे लिखा जाता है तथा प्रत्येक स्वर की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। जो सीखना चाहते हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क प्लस अ क, म प्लस ई मी। व्यंजन इस प्रकार से हैं। र के विभिन्न रूप, र को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो र के कई रूप हो जाते हैं, जैसे र रेफ, कर्म, वर्षा, धर्म, स्वर्ग आदि। रौपदेन, प्रेम, क्रम, ग्रह, नम्र, ट्रक, राष्ट्र, ड्रम आदि। वर्ण विच्छेद, जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तब उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, जैसे मछली, मौ प्लस अ प्लस छ प्लस अ प्लस ल प्लस ई, मछली। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिख लिया जाता है तथा इसमें स्वर को मात्रा रूप की जगह मूल रूप में लिखा जाता है। आइए अब आगे कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। राजा, र आ ज आ राजा। कछुआ, क आ छ उ आ कछुआ। कक्षा, क आ क श आ कक्षा। प्रेम, प र ए म आ प्रेम। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। नंबर एक, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नंबर दो, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। नंबर तीन, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। नंबर चार, स्वर के तीन भेद होते हैं। नंबर पांच, स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं।
नंबर 6 व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। नंबर 7 स्वरों की मात्राएं होती हैं व्यंजन की नहीं। नंबर 8 शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हिंदी विषय से जुड़ी वीडियोस के लिए देखते रहिए आओ लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।